नमस्ते सदावस्ते ले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। HAL तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में 3 मुख्य बदलाव करने वाला है, संभवतः इसे अर्जेंटीना को देखते हुए किया जा सकता है। एयरबस अब भारत के साथ 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और A400M टर्बोप्रोप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए भी समझौता करना चाहता है, जिसे भारत में ही बनाया जाएगा। DRDO की ARDE ने नई एयर लॉन्च प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन जारी किए हैं, जिसे कि स्वदेशी रूप से भारत में ही तैयार किया जाएगा। धरती से आकाश तक सहयोग करेंगे क्वाड देश और इस तरीके से होगी चीन की घेराबंदी। क्वेटा में बलूच लोगों ने 4 पाकिस्तान सैनिकों को उतारा मौत के घाट। अमेरिका की धमकी को दरकिनार करते हुए तुर्की रूस से और ज्यादा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा। पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो लद्दाख में जोजिला टनल को लेकर आ रही है। खेल एवं युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने लद्दाख के कारगिल जिले में जोजिला पास सुरंग के निर्माण कार्य की समीक्षा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि 13.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ने के लिए अहम भूमिका निभाएगी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारत सरकार इसके निर्माण पर तेजी से काम कर रही है। दोस्तों, इस टनल का निर्माण पूरा होने के बाद लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बीच पूरे साल आवागमन संभव हो पाएगा और इस टनल के पूरा होने के बाद लेह और श्रीनगर के बीच सफर में तकरीबन 3 घंटे का समय कम लगेगा। 11,578 फुट की ऊंचाई पर बने जोजिला दर्रे में नवंबर से अप्रैल तक बर्फबारी होती है, जिसके कारण श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बंद हो जाता है। लेकिन इस सुरंग के निर्माण होने के बाद NH1 पर बर्फीले तूफानों से होने वाले हादसों से भी बचा जाएगा और यात्रा सुरक्षित रहेगी। अरुणाचल प्रदेश तक अब कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत होने वाली है, जिसके लिए अब इस्तेमाल किया जाएगा HAL द्वारा निर्मित ड्रोन 228 एयरक्राफ्ट का। HAL ने कहा कि उसने अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रीय संचालन के लिए 2 मेड इन इंडिया सिविल ड्रोन 228 विमानों की आपूर्ति के लिए अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ एक पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। HAL ने कहा कि इस समझौते के साथ भारत की क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम इसको बढ़ावा मिलेगा। ड्रोन 228 विमान एक वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है, यानी कि बहुमुखी विमान है जो पूर्वोत्तर में संचालन के लिए बेहद उपयुक्त है। इसमें शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग, आधे रनवे से उतरने और टेक ऑफ करने की क्षमता है। दोस्तों, भारत के राजदूत ने अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर और कंट्री सेक्रेटरी से मुलाकात की है, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने का फैसला लिया। हाल ही में अर्जेंटीना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि चाइना के JF-17 अर्जेंटीना खरीदना चाहता है। लेकिन अर्जेंटीना ने साफ कह दिया कि उसने अभी किसी भी देश को फाइटर जेट्स खरीदने के लिए नहीं चुना है। साथ ही अर्जेंटीना की एयरफोर्स अपना टेक्निकल और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन कर रही है 5 एयरक्राफ्ट के लिए। भारत के एम्बेसी के द्वारा ट्वीट किए गए इस संदेश को HAL ने रीट्वीट किया है, जिसका मतलब साफ है कि भारत अपने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अर्जेंटीना के सामने रख सकता है। लेकिन आप सबको मालूम ही है कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो कि हमेशा पंगा लगा सकता है और उसने कई फाइटर एयरक्राफ्ट की डीले रद्द करवाई है अर्जेंटीना के साथ, लेकिन इसका ऑप्शन HAL ने निकाल लिया है। HAL की टीम अब तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में 3 ब्रिटिश कंपोनेंट्स को बदल रही है, क्योंकि UK के एक्सपोर्ट लाइसेंस के तहत भारत इन्हें अर्जेंटीना को नहीं बेच सकता है। इनमें जो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, उसमें रेडॉम एयर टू एयर रिफिलिंग प्रोब मार्क 16 इजेक्शन सीट शामिल है, जिसे कि ब्रिटेन बनाता है, लेकिन DRDO अब खुद का रेडॉम बना रहा है। इसके अलावा ब्रिटिश इजेक्शन सीट की जगह रशिया की वेस्टा एंटरप्राइजेस की इजेक्शन सीट को इसमें लगाएगा और रिफिलिंग प्रोब के लिए एक ऑप्शन मार्केट के सामने रखा जाएगा। यानी कि HAL पूरी तरह से सक्षम है अर्जेंटीना को बिना किसी विवाद के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बेचने के लिए। दोस्तों, फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नेवल ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोजेक्ट था वो कैंसिल होने के बाद अब भारत फ्रांस से बरकुडा क्लास की सबमरीन्स को लेना चाहता है। बरकुडा SSN पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम पर आधारित है और ये आसानी से दुश्मन की पनडुब्बी का भी पता लगा सकती है। साथ ही ये 1000 किलोमीटर वाली नेवल स्कैल्प मिसाइल को दागने में सक्षम है ग्राउंड टारगेट्स के खिलाफ। इसके अलावा इसमें अतिरिक्त 15 कमांडर्स को ले जाया जा सकता है और इनके हथियारों के लिए मोबाइल पॉड्स भी इसमें ले जाया जा सकता है। हाल ही के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि साउथ कोरिया ने अपनी नई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है, जो कि काफी हद तक ब्रह्मोस मिसाइल की तरह है। लेकिन अब खबर सामने आ चुकी है कि साउथ कोरिया ने रशिया से ये टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट की है और इस टेक्नोलॉजी से साउथ कोरिया ने अपनी लेटेस्ट एंटी शिप मिसाइल को बनाया है। उन्होंने जो ये मिसाइल बनाई है उसका आधार यानी कि बेस इंडो रशियन ब्रह्मोस मिसाइल ही है। यानी कि रशिया कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए, उसने पैसे के लिए ही आखिरकार
टेक्नोलॉजी बेस दी ब्रह्मोस की। ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। कल को चाइना भी बोल सकता है कि भाई हम आपको पैसा देते हैं, आप हमें टेक्नोलॉजी बेच दो। हो सकता है कि अंदर ही अंदर डील बहुत कुछ चल चुकी होंगी जिसका हमें पता भी ना हो, लेकिन अनुमान तो अब आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। जब साउथ कोरिया पैसा देकर इस टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर सकता है तो चाइना क्यों नहीं कर सकता? यही नहीं, पाकिस्तान भी कर सकता है चाइना से उधार लेकर के। लेकिन एंड क्या है इसका? कंक्लूजन ये है कि ये सब भारत के खिलाफ है, इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ। तो इसीलिए मेड इन इंडिया बहुत जरूरी है, स्वदेशीकरण बेहद जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हमें आने वाले समय में झेलना पड़ेगा। लेकिन भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए रूस हो चाहे अमेरिका हो, समय की मांग के हिसाब से तो हमें हथियार इनसे खरीदने होंगे। लेकिन इस समय का ये फायदा उठाना है कि इनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत भी अपने हथियारों के लिए करे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है दोस्तों ये। डीआरडीओ की एआरडी ने अपनी नई एयर लॉन्च प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन को जारी किया है और डीआरडीओ इसके प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ देख रहा है। पीजीएम जो कि 500 पाउंड का बम है और ये पेवे 2 सुदर्शन और ग्रिफिन गाइडेंस किट के साथ मिलाकर इसे एक लेजर गाइडेड बम बनाया जा सकता है। पीजीएम 500 जिसकी रेंज 14 से 15 किलोमीटर की होगी। इसका वजन भी काफी हल्का होगा जिसके चलते भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर जेट्स इसे अधिक संख्या में ले जा सकते हैं। एआरडीई इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इंडियन एयरफोर्स 1000 यूनिट खरीदेगी पीजीएम 500 की अगले 10 सालों में और जिस भी भारतीय कंपनी को चुना जाएगा उसे 200 यूनिट प्रतिवर्ष के हिसाब से इनकी डिलीवरी करनी होगी। एयरबस ने जैसे ही भारत के साथ 22,000 करोड़ रुपए का समझौता किया 56 C295 एयरक्राफ्ट के लिए, उसके बाद एयरबस अब चाहता है कि भारत के साथ वो हाई वैल्यू रक्षा सौदे करे जिसके तहत वो बहुत सारे ऑप्शन भारत को दे रहा है। एयरबस ने भारतीय नौसेना के 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के लिए अपना H135 और AS565 पैंथर हेलीकॉप्टर को पेश किया है जिसे वो भारत के साथ स्थानीय स्तर पर बनाएगा। इसके अलावा वो भारतीय नौसेना के लिए 123 नेवल मल्टीरोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए S225 हेलीकॉप्टर का लोकल प्रोडक्शन भारत के साथ करना चाहता है। यही नहीं, इसके अलावा एयरबस भारतीय वायुसेना के एयरबोर्न रिफ्यूलिंग टैंकर्स के लिए बातचीत कर रहा है जिसके तहत उसने अपने A330 मल्टीरोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को प्रेजेंट किया है और भारतीय वायुसेना इसको लेना भी चाहती है। एयरबस भारत के साथ A400 टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भी भारत के साथ करना चाहती है और इसकी पेशकश उन्होंने 2019 में ही इंडियन एयरफोर्स को की थी जिसके तहत रशिया के IL-76 और IL-78 को बदला जाना था। क्वाड की बैठक में चारों मित्र देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करने के लिए समुद्री सुरक्षा से लेकर व्यापार और तकनीकी में सहयोग के लिए चर्चा की है। यही नहीं, इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर में नियम आधारित व्यवस्था की वकालत करते हुए छोटे आइलैंड देशों को सहयोग करने का वादा भी किया है जिससे कि चीन को एक संदेश दे दिया गया है। क्वाड नेताओं की बैठक मोटे तौर पर 4 थीम पर आधारित थी। इसमें अफगानिस्तान और क्षेत्रीय सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा, जलवायु के मुद्दे के अलावा COVID-19 मुद्दा शामिल था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी ऐप का मुद्दा भी उठाया। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन सहयोग के बहाने चीनी वर्चस्व को समाप्त करने की रणनीति पर सहमति बनी है। अमेरिका और तुर्की के बीच अब बहुत ज्यादा तनाव बढ़ने वाला है। तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगन ने कहा कि अमेरिका की कड़ी आपत्तियों के बावजूद भी वो रूस से दूसरा S-400 सिस्टम खरीदने जा रहा है और अमेरिका नाटो के भीतर रूसी प्रणालियों के उपयोग का कड़ा विरोध भी करता है। यहाँ पर एर्दोगन ने यह भी आरोप लगाया कि तुर्की को अमेरिकी निर्मित पैट्रियट मिसाइल खरीदने का विकल्प नहीं दिया गया था और $1.4 अरब के भुगतान के बावजूद भी अमेरिका ने F-35 विमान उसे मुहैया नहीं कराया। नाटो के सदस्य तुर्की को रूस निर्मित S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के बाद F-35 प्रोग्राम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। पाकिस्तानी सेना को बलूच लोगों ने बड़ा झटका दिया है। बलूचों ने एक बम हमला करके पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कोर के एक वाहन को उड़ा दिया। इसमें पाकिस्तान के 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और 2 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह हमला हरनाई जिले के खोस इलाके में हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। चीन ने अपने इंटरनेशनल एयर शो के शुरू होने से पहले ही दुनिया को अपने डबल इंजन वाले आम ड्रोन की पहली झलक दिखलाई है। ये ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरकर दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाने में सक्षम है। चीन के इस नए ड्रोन का नाम है CH-6 जिसे चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने बनाया है और इसकी रेंज है 4,500 किलोमीटर। CH-6 एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड सिस्टम है। इसे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, लड़ाकू विमानों की सहायता करने और हमला करने जैसी भूमिकाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। CH-6 ड्रोन भी अपने पूर्ववर्ती CH-5 ड्रोन से काफी कुछ मिलता जुलता है। इसमें हाई टी सेल सेटअप का इस्तेमाल किया गया है। इसके टेल सेक्शन में एक साथ 2 जेट इंजन लगाए गए हैं और इसके 2 इंजनों को लैंडिंग गियर के ठीक ऊपर सेट किया गया है
जिससे कि टेक ऑफ या फिर लैंडिंग के दौरान एयरफ्रेम पे पड़ने वाला पूरा दबाव नीचे लैंडिंग गियर संभाल लेते हैं। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं है कि क्या ये रेडियो सिग्नेचर को कम करेंगे या फिर इन्हें बेहतर एरोडायनेमिक के लिए डिजाइन किया गया है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन है 7.8 टन का। टोई मिशन में इस्तेमाल के दौरान इस ड्रोन की मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 300 किलोग्राम की और ये ड्रोन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है और इस ड्रोन की क्रूज स्पीड 500 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा इसकी सर्विस सीलिंग 12 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। टोई मिशन में ये ड्रोन लगातार 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है। हालांकि चाइना बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करता है, कई देशों ने उसके ड्रोन लिए, पाकिस्तान तो अभी तक परेशान है इसके ड्रोन को खरीद कर, इंजीनियर्स को बुलवा रहा है कि भैया अपने यहाँ के इंजीनियर्स को भेजो यहाँ पर, ये सारे जो हमने तुमसे 3 UAV लिए थे, तुम्हारी कंपनी ने बनाए थे, चूना लगा के चले गए तुम लोग, उसके बाद अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, ना तो हमारे पास पैसे हैं इतने कि इसको ठीक करा सकें, आप ही इसको ठीक कीजिएगा। ऐसी कई देशों की शिकायतें हैं जिससे कि चाइना के प्रोडक्ट्स पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये तब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।